सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली एक और वीडियो आ गई। हाँ जी, एक और 11 की वीडियो आ गई और ये वीडियो है मदर्स डे के ऊपर। बड़ी ही प्यारी वीडियो है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी, लिटरली आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके करेक्टर्स के बारे में बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए चैप्टर को समझने में। तो जिसमें सबसे पहली करेक्टर है वो है एनी पियर्सन, जो बेसिकली इस पूरी कहानी की मेन लीडर है, सो कॉल मेन हीरोइन है। दूसरी जॉस पियर्सन, जो एनी पियर्सन के हस्बैंड है। थर्ड वन इज डोरिस पियर्सन, जो एनी पियर्सन और जॉस पियर्सन की बेटी है, ठीक है, और ये काफ़ी इनको घूमने का शौक है और काफ़ी बिगड़ेल सी हैं, ऐसे इसमें कहा गया है। नेक्स्ट वन इज सिरिल, सिरिल जो है डोरिस का भाई है और सो कॉल ये एनी और जॉर्ज के बेटे हैं, लेकिन ये भी बिगड़े हुए हैं, सो कॉल इनके दोनों बेटे जो हैं इस कहानी में बिगड़े हुए हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिनका नाम है मिसेज फिजरेल। तो चलिए गाइज, इन पांचों करेक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी ये चैप्टर। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा 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 मजा आने वाला है, आप बहुत हंसने वाले हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऐसा लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अभी मत करो यार, वीडियो देखने के बाद, वीडियो अच्छी लगी उसके बाद कर देना। तो गाइज मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, बाय बाय। श्रीमती पियर्सन 40 वर्ष की एक सुंदर सी औरत है, लेकिन ये देखने में ज़्यादा परेशान दिखती हैं। लेकिन इसी के अपोजिट श्रीमती फिजरेल, ये उनसे ज़्यादा उम्र की हैं, इनकी आवाज़ काफ़ी भारी है और ये देखने में कठोर और डरावनी लगती हैं। ये इस समय सिगरेट पी रही हैं। देखो श्रीमती पियर्सन, मैं तुम्हें बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस रास्ते को चूज करोगी। हाँ ठीक है श्रीमती फिजरेल, तुम्हारा धन्यवाद। मतलब सच में मैं कितनी थैंकफुल हूँ कि मतलब मेरे घर के बगल में एक जोशी रहता है, कितनी ही मज़ेदार बात है। बाकी ये सब तुमने कहाँ सीखा? मैंने ये सब पूर्व के देशों में सीखा था, जब मैं अपने पति के साथ रहा करती थी। ये सब बातें छोड़ो और तुम मुझे बताओ पियर्सन, कि क्या तुम अपना मन चेंज करोगी? क्या तुम अपनी बातों पर अड़ी रहोगी? वक्त आ गया है कि तुम्हें अब अपने घर के मालकिन बन के रहना होगा, अपने परिवार को अपने मुट्ठी में करना सीख लो। ऐसा कहना आसान है, मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, वो बात अलग है कि वो लोग मेरी परवाह नहीं करते और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, पर फिर भी यार वो दिल के इतने बुरे भी नहीं हैं। माना कि वो दिल के इतने बुरे नहीं हैं, पर उनको भी तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ यार, करना तो चाहिए। अरे बिल्कुल करना चाहिए, तुम्हारे पति और तुम्हारे दोनों बच्चों का इससे भला नहीं होने वाला। क्या तुम समझती हो कि उनका भला हो रहा है? जब तुम पूरा दिन उनके पीछे भागती रहती हो, उनकी हुक्म मानते रहती हो, जैसे तुम घर की नौकरानी हो। अरे यार, आखिर तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, तुम्हारी भी तो लाइफ है। तुम हर रात घर में रहती हो, जब वो लोग मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाते हैं तो तुम घर में बैठ के क्या करती हो? सच में तुम्हें लगता है ये सब सही है? सच में? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं कभी कभी उनको इशारा कर देती हूँ। श्रीमती पियर्सन, तुम्हारे परिवार का इशारा से गुजारा नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और वो भी जल्दी ही करना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है कि अब ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं हर बार सोचती हूँ कि इस विषय पर उनसे बात करूँगी, पर यार मैं बात ही नहीं कर पाती। अरे यार टाइम तो देखो, हो मैं लेट हो गई, सब लोग घर पे आते होंगे, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। अरे बैठो यार और इस बार उनको इंतजार करने दो, कह दो कि तुम अपना काम खुद कर लो, इतनी सी तो बात है, तुम्हें बस यही कहना है, यहीं से स्टार्ट करो, जाके आज कह दो कि तुम अपना काम खुद करो। श्रीमती फिजरेल, मैं जानती हूँ आप मेरे भले के बारे में सोच रही हैं, पर यह सब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपसे वादा कर लूँ कि हाँ मैं कहूंगी, पर मुझे पता है मैं ये सब कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो मैं ये काम कर देती हूँ। अरे तुम्हारा धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कोई दूसरा बंदा आके मेरे घर के बारे में
बातें करे तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरे परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा और इसके बाद तो मैं फिर कुछ ठीक भी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं, शायद तुम मेरी बात समझी नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा, पर शायद मैं समझ चुकी हूँ। आप यही कह रही है ना कि ये सब काम मैं कह देती हूँ। हाँ, मैंने ऐसे ही कहा, लेकिन मिसेस फिजरल बनके नहीं, मिसेस पियर्सन बनके। मतलब मैं समझी नहीं, तुम मेरी जगह और मैं तुम्हारी जगह कैसे हो सकती हूँ? हो सकता है, हम अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वो बात अलग है कि मैंने बहुत टाइम से ट्राई नहीं कर रखा, पर मुझे पता है कि हम कर सकते हैं। लाओ, बिना बात करे मुझे अपना हाथ दो और खामोश हो जाओ। लेकिन क्या 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 ये सब ठीक होगा? तुम परेशान मत हो, ज्यादा सोचो मत, मेरी तरफ देखो और खामोश हो जाओ। सो गाइस, कुछ देर बाद दोनों जन अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब सो कॉल्ड जो मिसेस पियर्सन थी वो फिजराइल बन जाती है और जो मिसेस फिजराइल थी वो पियर्सन बन जाती है। अब मेरी बात सुनो पियर्सन, कुछ देर के लिए तुम मेरे घर चले जाओ, वहाँ पे कोई भी नहीं है, और मुझे तुम्हारे घर पे रहने दो और फिर बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। देखो यार, संभाल लेना सब कुछ। और फिर गाइस, मिसेस पियर्सन जो है अब उनके घर चली जाती है और फिजराइल जो है यहीं रहती है, जो अब पियर्सन के रूप में है और सिगरेट पी रही है। थोड़ी देर बाद डॉरिस पियर्सन घर के अंदर आती है। ये एक 20 और 22 साल की एक बहुत ही सुंदर लड़की है, लेकिन ये बहुत बिगड़ी हुई है। डॉरिस माँ को देखे बिना कहती है, मॉम, क्या तुमने मेरी पीली पोशाक प्रेस कर दी? मुझे आज रात को पहननी है। एक सेकेंड मॉम, तुम ये क्या कर रही हो? मैं छत की पेंटिंग कर रही हूँ। अबे तुझे दिखाई दे रहा मैं क्या कर रही हूँ? पर मॉम, सिगरेट? मॉम आप सिगरेट पी रही हैं? हाँ तो क्या, पी नहीं सकते? क्या कोई कानून बनाया गया है क्या नहीं पी सकते? लेकिन मॉम, मैं समझती थी कि तुम सिगरेट नहीं पीती हो। शायद तुम गलत समझती थी। चलो छोड़ो माँ, जो भी है, ये बताओ चाय कहाँ है? क्या आज चाय किचन में बैठ के पीनी है क्या? तुम्हारा जहाँ दिल करे वहाँ पियो, रोका किसने तुम्हें? क्या मतलब, आप कहना चाहती हैं कि चाय नहीं बनी? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं बनी, मेरे को जितनी पीनी थी मैंने बना के पी ली, और अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर होटल में जाके खाना भी खा लूँगी। एक सेकेंड माँ, आप बाहर जाएंगी, बाहर खाना खाएंगी? अबे हाँ तो क्या हो गया, मैं खाऊंगी तो क्या हो गया, पागल वागल हो गई है क्या तू? माँ क्या हो गया है आपको, आप कैसे बात कर रही हो? मैं दिन भर इतनी मेहनत करके आती हूँ, शाम को एक चाय भी नहीं मिली, मतलब, और आपने मेरी पीली ड्रेस भी प्रेस नहीं की। हाँ तो खुद कर लेना, ऐड किस पे रही है, एक रैपट में सारी 32 ही बाहर निकल जाएगी तेरी, समझी? ज्यादा ही पसंद है तो कर ले सारे काम, कर ले प्रेस वो। पर हर बार तो आप प्रेस करती थी ना माँ? ओ, इतनी बड़ी गलती मैं हर बार करती थी? ओके, अब से मैं प्रेस नहीं करूंगी। और ये जो तू ऐड के बोल रही है ना कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, तो हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ? हम काम नहीं करते, इवन तेरे से ज्यादा काम करती हूँ मैं। तो ये ऐड ना किसी और को दिखाइयो, और आज के बाद मुझे मत दिखा दियो। और एक बात बता, तू ये ड्रेस पहन के कहाँ जाने वाली है? मैं आज शाम 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। उस गंदी शक्ल के साथ तू बाहर जा रही है? अरे पागल वागल हो गई है क्या? मैं तेरी जगह होती ना तो किसी और को ढूंढ लेती, उस ऊंचे दांत वाले को तो कभी नहीं देखती। पता नहीं कैसे पसंद आ जाते हैं आजकल के लड़कियों को ऐसे लड़के। माँ ऐसा नहीं है, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। अब इसके बाद गाइज इनका बेटा आ जाता है सीरियल। हे मॉम, मेरी चाय कहाँ है? कम बच कम, चाय वाय नहीं है यहाँ पे कोई, वो भी तेरे लिए। हैं, क्यों? पर ऐसे ही मेरा मन नहीं बनाई चाय मैंने। मन क्यों नहीं था? रैपट इतनी जोरों से आएगा ना, नाश्ता फिरेगा गोल गोल, नहीं है मन तो नहीं है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरा वो काम हुआ जो मैंने सुबह आपसे कहा था। हा, क्या लगता है हुआ होगा? मैं बिल्कुल नहीं हुआ और ना मैं करूंगी। पर क्यों, आपको करना पड़ेगा, आजा करवा ले फिर। यार ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है आपको? इतनी देर में डॉरिस येलो ड्रेस पहन के नीचे आ जाती है। तू ऐसी गंदी शक्ल बना के बाहर जाने वाली है? खैर चलो, वैसे भी उसकी शक्ल कौन सी अच्छी है। बस माँ बस, अब मत बोलो उसके बारे में, और मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे रुलाया है। अबे जाना, क्या रसोई में और दारू बची है? शायद बची होगी, तुम दोनों यहीं रुको, मैं रसोई से और दारू लेके आती हूँ। हे, तू क्यों रो रही है?
अबे यार माँ ने बड़े अजीब तरीके से बात की। ओ, तेरे साथ भी की? हैं? इसका मतलब तेरे साथ भी की? फिर ठीक है, मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ की। अबे क्या ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत है। क्या हो गया उनको? कहीं सर पे चोट वोट तो नहीं लग गई है? या फिर कहीं गिर गई हो, दिमाग वहाँ खिसक गया हो उनका? टेंशन ना ले, एक बार पापा आ जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मजा आएगा जब पापा सुनाएंगे। क्या बात हो रही तुम लोगों की, क्यों हंस रहे हो तुम? हैं? मम, हमारे जोक आपको समझ में नहीं आते। हाँ। अबे वो सुन गंदी शकल की लड़की, तेरे पैदा होने से पहले जब तू जोक सुनाया करती थी ना, मैं तब से बोर हो रही हूँ तेरे से। मेरे सामने ना तमीज से बात किया कर, वरना रैप पर इतनी जोरों का आएगा ना, सारी हंसी निकल जाएगी एकदम से ही। देखो मॉम, मैं बहुत थक चुका हूँ, अगर तुम चाय नहीं बनाओगी तो मैं खुद जाके पी लूंगा। तबे जाना, रोका किसने, निकल यहाँ से, और ये काम की धमकी ना मुझे मत दियो। ठीक है, मैं भी बहुत काम करती हूँ, लेकिन अब सोच लिया है मैं हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लूंगी और कहीं बाहर घूमने जाया करूंगी। बहुत हो गया काम वाम, वीक में 2 छुट्टी पक्की। इतनी देर में गाइज जॉर्ज आ जाते हैं, जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड थे। वो अभी देखते नहीं है माहौल क्या, और कहते हैं, हे एवरीवन, क्या हो रहा है यहाँ? आजा मोटे, तेरी कमी थी। हैं? दारू? तुम दारू कब से पीने लगी? अभी से। पर तुम्हें तो ये अच्छी नहीं लगती थी। अरे पागल हो गया है क्या, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मजा ही आ गया पी के। चलो जाने दो, ये सब बातें मैं बाद में करूंगा, आज शाम को मुझे क्लब जाना है, तो मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। अबे जाना, तेरे लिए चाय बनाई भी किसने? क्या, तुमने चाय नहीं बनाई? वाह, नहीं नहीं वाह, कोई सेंस है इस बात की? ये चाय नहीं पीनी और पूछ भी रहा है चाय क्यों नहीं बनाई। लेकिन अगर मान लो मुझे पीनी होती तो खुद बना लेता तू। क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है? जरूरी हर बार मैं ही बनाऊं? बाकी मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तू क्लब जाता ही क्यों है? वहां पे सब तेरा मजाक उड़ाते हैं, सब तेरे ऊपर हंसते हैं। क्या खामोखा, सब मेरे ऊपर हंसते क्यों है भला? अबे सब तेरा मोटेपन का मजाक उड़ाते हैं, तू इतने भड़कीले कपड़े पहन के जाते हैं, सब हंसते हैं तेरे ऊपर। और मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुझे आज तक ये बात पता क्यों नहीं चली कि सब तेरा मजाक बना रहे हैं। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। मत मान, जाओ जहाँ जाना है करवा ले बेइज्जती। गाइज इतनी देर में फिजराइल आ जाती है, जो रियल वाली पियर्सन थी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब ठीक है, रास्ते पे। अरे डोरिस तुम क्यों रो रही हो? तुम है उससे मतलब? अब यो तमीज में बात कर, मेहमान है वो हमारी और मेरी दोस्त, समझी? सॉरी बोल जल्दी से। सॉरी आंटी। हाँ वेरी गुड, और आगे से जब कोई आए ना मेरा जानने वाला, तो नमस्ते किया कर, वो भी झुक के, समझी? अरे हो क्या रहा है ये सब? सब ठीक है डियर। ओ बाल को, और तू सुन मोटे, निकलो यहाँ से, थोड़ी देर बाद आना, मैं अपने दोस्त से थोड़ी बात कर लूँ, चलो निकलो। अरे यार तुमने क्या किया ये? अरे सब ठीक है, सब मजे में है, तू टेंशन ना ले, मजा आ रहा है बहुत। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रहा, पर तुम अभी चेंज करो, मुझे मेरे रियल रूप में वापस लेके आओ। नहीं बिल्कुल नहीं, तू सब खराब कर देगी। नहीं मैं नहीं करूँगी। तू कामों का सॉरी और ही बोल देगी यार सबको, सब खराब हो जाना है। तू उनसे प्यार से बात कर लेगी, बस सब खत्म, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे नहीं, पक्का मैं नहीं करूँगी, वादा। तू खुद का स्टैंड लेना सीख ले, उनको बता दे तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। वैसे जरा मुझे बताइयो, तुझे पसंद क्या है? मुझे रमी खेलना पसंद है, पर ये लोग बस मेरे साथ क्रिसमस के दिन रमी खेलते हैं, उससे पहले और उसके बाद कभी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, आज जाके बोल दियो तुझे क्या खेलना है। ओके मैं बोल दूंगी, बट चेंज तो करो। हाँ रुक, हाथ पकड़ मेरा, आंखें बंद कर और मन को शांत कर। और फिर गाइज कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और फिर धीरे धीरे सब अंदर आ जाते हैं। सुनो सभी, सब ठीक है, मैं अब गुस्सा नहीं करूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग आज रात मेरे साथ रमी खेलो, और अब सब कुछ भूल जाओ, सब एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, और आ जाओ सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो फाइनली गाइज यही था आपका चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और वादा मत भूलो भाई,
वादा किया था आपने। क्या किया था? कि नीचे लाइक कर दोगे। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वो जो घंटी दिख रही है ना, उसे भी दबा दो। इसी बात पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओ नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय गाइज़।